Hi guys, this is Sudeep Paul and you are watching HDP classes. Percentage topic का ये episode 3rd है और इसमें हम देखेंगे MCQ series. इससे पहले मैंने episode 1st और episode 2nd percentage topic के upload किए हैं, तो अगर आपने अभी तक देखा नहीं है उसे तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने basic concept और basic question बताए हैं, तो उसको करने के बाद आपको सारे advanced question करने में काफ़ी help हो जाएगी. ठीक है, तो start करते हैं first question. तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इन एन एग्जाम ऑफ टू सब्जेक्ट 42% स्टूडेंट्स आर फेल इन मैथ्स वाइल 52% स्टूडेंट्स आर फेल इन इंग्लिश. दैट मीन्स एक एग्जाम है जिसमें दो सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से, एक मैथ्स और दूसरा इंग्लिश. तो दोनों के लिए वेन डायग्राम बना रहे हैं इसमें. अब जो जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, वो तरीका है वेन डायग्राम मैथड. ओके, इस तरह के क्वेश्चन आप यूनियन और सबसेट मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ज़्यादा इजीली इस तरीके से आ जाता है जो आप अभी देखेंगे, वेन डायग्राम मेथड. तो यहाँ पे दो सर्कल मैंने एक मैथ्स के लिए और एक इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए बना दिया, मैथ्स और इंग्लिश के लिए. डाटा किसका दिया हुआ है, फेल होने वालों का डाटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर नीचे लिख दीजिएगा फेल होने का डाटा है ये. ठीक है, तो 42% स्टूडेंट मैथ में फेल हुए हैं, तो 42% स्टूडेंट मैथ में, और इंग्लिश में कितने हैं, 52%. पहला क्वेश्चन है इस तरह का, इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ, आने वाले क्वेश्चन आप काफ़ी शॉर्ट में कर पाएंगे. ठीक है, 17% स्टूडेंट फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, तो बोथ द सब्जेक्ट मतलब कॉमन है ये. ठीक है, 17% कॉमन है, क्लियर. तो अब देखिए यहाँ पे आप कि 17% दोनों सर्कल को कॉमन इंक्लूड हो रहा है, तो 42% स्टूडेंट जो है वो मैथ के हैं जिनमें ये 17% इंक्लूड है. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ओनली मैथ में कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए हैं, तो आप इससे माइनस कर दीजिए 42 से 17 को, कितना आ जाएगा, 25%. ठीक है, तो 25% स्टूडेंट ओनली मैथ में फेल हुए हैं, क्लियर. इन द सेम वे 52% से आप 17% को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 35%. तो 35% स्टूडेंट ओनली इंग्लिश में फेल हुए हैं, क्लियर है. तो अगर मैं पूछूं आपसे कि दोनों सब्जेक्ट में या फिर वन सब्जेक्ट में फेल होने वाले टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो इनको तीनों को 25, 35 और 17 को जोड़ देंगे, जितना आएगा कितना, 77%. तो ये 77% जो हैं ये चाहे एक सब्जेक्ट में या बोथ सब्जेक्ट में फेल हैं. तो पास होने वाले कितने होंगे, 100 में से माइनस कर लीजिए, तो पास होने वाले को डाटा कितना आ जाएगा, 100 में से ये 77 को माइनस कर लीजिए, तो कितना जाएगा, 23%. क्लियर है, ओके. तो आगे बढ़ने से पहले कुछ एक चीज़ और बता देता हूँ आपको. देखिए, जैसे यहाँ पे अगर मैं पूछता आपसे कि ओनली वन सब्जेक्ट में बताइए, चाहे वो मैथ हो या इंग्लिश में हो, फेल होने वाले कितने हैं, तो 25% और 35%, 25% और ये 35%, डेट मीन्स 60% स्टूडेंट जो हैं ये ओनली वन सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं. ठीक है, दोनों सब्जेक्ट में कितने फेल हो रहे हैं, तो ये दिया हुआ 17% दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, और दोनों सब्जेक्ट में पास कितने लोग हो रहे हैं, तो ये 23% दोनों सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं. यहाँ तक तो क्लियर है. और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर 60% एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट में पास भी हो रहे हैं. दैट मीन्स ये 25% अगर मैथ में फेल हो रहे हैं, तो इंग्लिश में पास हो रहे हैं, 35% इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, मतलब मैथ में पास हो रहे हैं. तो अगर ये 60% किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, तो किसी एक सब्जेक्ट में पास भी हो रहे हैं. ओके, यहाँ तक क्लियर है, कंसेप्ट भी क्लियर हो गया आपके. ओके, अब आते हैं वापस से क्वेश्चन पे. तो क्या था यहाँ पे, पास होने वाले स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में 23% थे, और क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, देखिए 46 स्टूडेंट्स आर पास इन बोथ द सब्जेक्ट, मतलब जो हमने परसेंटेज निकाला 23%, ये नंबर के फॉर्म में भी दिया हुआ है हमको. और फाइंड क्या करना है हमको, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है. तो यहाँ से हमको मिल गया 23% इक्वल टू 46, तो 100% निकालना है, तो 100% कितना आ जाएगा, इसका 23 का डबल 46, तो 100 डबल कितना हो जाएगा, 200, यही आंसर. ठीक है, तो सेकेंड नंबर ऑप्शन जो है ये आंसर हो गया, क्लियर है. तो इस तरह से करना है आपको वेन डायग्राम मेथड से. और देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन, तो आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, इन एन एग्जाम ऑफ टू सब्जेक्ट, अगेन दो सब्जेक्ट हैं, दो सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से, मैथ्स है और इंग्लिश है. तो वेन डायग्राम बना देते हैं दोनों के लिए, एक मैथ्स के लिए और एक इंग्लिश के लिए. अब यहाँ पे देखिए पास होने का डाटा दिया है इसमें मैथ्स में, और इंग्लिश में भी पास होने का डाटा दिया है. दैट मीन्स हमारा जो वेन डायग्राम है ये पास होने वालों का है डायग्राम, मैथ्स वालों का और इंग्लिश वालों का.
मैथ्स में कितने परसेंट पास है? 70% पास है, 70% पास है। इंग्लिश में कितने परसेंट पास है? 60% पास है, ठीक है। और एक और डाटा दिया है, 20% स्टूडेंट फेल हैं इन बोथ द सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे पास और पास का दिया है, जबकि यहाँ पे कंबाइंड दे दिया है फेल का। तो पिछले क्वेश्चन में क्या था कि फेल का दिया था मैथ में भी, फेल का दिया था इंग्लिश में भी, और फेल ही दिया था कंबाइंड। लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज है, यहाँ दे दिया है पास और पास और फिर फेल दे दिया है, ठीक है। तो इसको अलग से कर लेते हैं। देखिए क्या दिया है, फेल होने वालों का डाटा 20% है। तो ये क्लियर है, अगर फेल होने वाले 20% है, जो कि कितने सब्जेक्ट में फेल है, देखिए बोथ द सब्जेक्ट में दिया है। तो पास होने वाले, पास होने वाले कितने होंगे? 80% होंगे। अब ये जो 80% पास हो रहे हैं, ये इनमें ऐसे लोग भी हैं जो एक सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं या बोथ द सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं, क्लियर है 80% लोग। तो ये जो हमारा जो वेन डायग्राम का जो डाटा बना है वो आएगा 80% का, ठीक है। जो टोटल वेन डायग्राम है वो 80% का है, लेकिन मैथ दिया है यहाँ पे 70%। तो इंग्लिश को कितना होना चाहिए था उस हिसाब से? 10% होना चाहिए था, क्योंकि टोटल 80% है, तो इसको 10% होना चाहिए था। लेकिन इंग्लिश तो दिया है 60%, दैट मीन्स कि 50% यहाँ बीच में होगा, ठीक है। इसको ऐसा भी कर सकता था कि 60% यहाँ दिया है तो 20% ये होगा, और 70% टोटल दिया था, 70 में से 20 जाएगा कितना जाएगा 50, या फिर 60 में से 10 माइनस होगा कितना आएगा 50। मतलब ओवरऑल जो ये बीच का है, कॉमन चीज़ है, जो ये 50% आएगा, ठीक है। और ये कॉमन चीज़ क्या है, 50% क्या है? बोथ द सब्जेक्ट के लिए, जो पास हो रहे हैं बोथ द सब्जेक्ट में। और लिखा भी हुआ है इसमें, देखिए क्वेश्चन में, कि 2500 आर स्टूडेंट्स आर पास इन बोथ द सब्जेक्ट। नंबर के फॉर्म में दिया है, हमने यहाँ पे परसेंटेज के फॉर्म में फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो ये 50% जो है ये बोथ द सब्जेक्ट में पास हैं, और नंबर के फॉर्म में दिया हुआ। तो 50% इज इक्वल टू 2500। निकालना क्या है हमें, अगेन यहाँ पे भी क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, डेट मीन्स 100% निकालना है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इसका डबल हो रहा है, 50 का डबल 100, तो यहाँ भी डबल हो जाएगा, 2500 डॉलर कितना आ जाएगा? 5000, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर 5000 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो वेन डायग्राम था वो 80% का था, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में कितने परसेंट का था? 77% का था, क्लियर है। ओके आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, क्या लिखा है यहाँ पे। देयर आर 600 बॉयज इन अ हॉस्टल, एक हॉस्टल में 600 लड़के हैं, ईच बॉय प्लेज हॉकी और फुटबॉल और बोथ गेम्स। दैट मीन्स कि हर एक लड़का हॉकी या फुटबॉल या दोनों गेम खेलता है। तो ये जो लाइन है ये हमें बताता है कि यहाँ पे जो वेन डायग्राम बनने वाला है वो 100% केस का बनने वाला है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखे थे, आप बताया था मैंने 80% का केस था ये वेन डायग्राम, और ये 77% का केस था। लेकिन इस थर्ड क्वेश्चन में ये जो वेन डायग्राम बनने वाला है वो 100% केस का बनेगा। कौन सी लाइन हमें बता रहा है? ये सेकेंड लाइन, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हॉकी और फुटबॉल दो गेम है, तो यहाँ पे चाहें तो आप दो डायग्राम बना सकते हैं, वेन डायग्राम, दो सर्कल, एक हॉकी के लिए और एक फुटबॉल के लिए, ठीक है। एक हॉकी और दूसरा फुटबॉल। हॉकी में कितने परसेंट दिया है? देखिए हॉकी खेलने वाले 75% हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल 45% दिया हुआ है, ठीक है। देखिए 45% फुटबॉल और 75% हॉकी। फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी बॉयज प्ले बोथ द गेम्स, दोनों गेम खेलने वाले कितने हैं। तो ये केस जो है ये 100% केस है, ध्यान दीजिएगा, हमें ये फाइंड करना है कि दोनों गेम कितने लोग खेलते हैं। तो 75% ये दिया है हॉकी, तो इसको कितना होना पड़ेगा? 25%, क्योंकि टोटल 100% का केस है। लेकिन फुटबॉल कितना दिया है? 45%, तो 45 से 25 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 20%, ये दोनों में कंबाइन होगा, कॉमन होगा, ठीक है। और ये 20% हमें परसेंटेज मिल गया, लेकिन निकालना क्या था कि जो दोनों गेम खेलते हैं उनके नंबर कितने हैं। तो 600 टोटल है, 600 इसका निकाल दीजिए 20%, जो कि कितना आएगा? 120 आएगा। ये हो गया आंसर, थर्ड नंबर आंसर हो गया 120, क्लियर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। 35% स्टूडेंट्स आर फेल इन फिजिक्स, ओके एक सब्जेक्ट फिजिक्स है। 42% आर फेल इन केमिस्ट्री, ओके सेकेंड सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। 15% स्टूडेंट्स आर फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 2500, देन फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन वन सब्जेक्ट ओनली, केवल एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले स्टूडेंट। देखिए डाटा जो दिया है यहाँ पे फेल का, यहाँ भी फेल का और यहाँ भी फेल का दिया, तो काफ़ी आसान हो जाएगा यहाँ। तो एक वेन डायग्राम ये बना देते हैं, दूसरा ये,
किसके लिए, एक फिजिक्स के लिए बना देते हैं और एक केमिस्ट्री के लिए बना देता है। फिजिक्स में कितने परसेंट फेल है देखिए दिया हुआ है 42%। ओके केमिस्ट्री में कितने फेल है, ओके सॉरी फिजिक्स में दिया हुआ है 35% फेल है ना, ये दिया हुआ 35%, और केमिस्ट्री में कितना दिया हुआ है 42% दिया हुआ है फेल, और 15% दोनों सब्जेक्ट में, 15% दोनों सब्जेक्ट में फेल है। तो ओनली फिजिक्स में कितने फेल होंगे, 35 से माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा 20%। ठीक है, ओनली केमिस्ट्री में कितने परसेंट फेल हैं, तो 42% में से 15 माइनस कर लीजिए आ जाएगा 27%। तो 27% ओनली केमिस्ट्री में फेल है, लेकिन पूछा क्या है, हु फेल्स इन वन सब्जेक्ट ओनली, तो वन सब्जेक्ट में कितने लोग हैं, ये 20% और ये 27%, तो 20% प्लस 27%, दैट मीन्स कितना आ गया 47%। तो 47% स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल हैं, किसका 47%, टोटल का, टोटल कितने दिए हुए हैं स्टूडेंट 2500, तो 2500 का निकाल दीजिए 47%। ठीक है, तो परसेंट से ये 00 कैंसिल हो जाएगा, तो 25 × 47 कितना आ जाएगा, 25 × 47 1175, ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड नंबर ऑप्शन, क्लियर है, तो इसको कर लीजिएगा, इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको इस तरह के वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। ओके अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन, ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 25%, तो और निकालना क्या है, ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मान लेते हैं ओरिजिनल फ्रैक्शन x अपॉन y है, न्यूमरेटर में कितना इंक्रीज किया गया 25%, तो कोई भी चीज़ ओरिजिनली कितना परसेंट होता है 100%, 25% का इंक्रीज हुआ तो कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है कि जो डिनोमिनेटर है उसे ट्वाइस किया गया, डबल किया गया, तो कोई भी ओरिजिनली 100% होता है, ट्वाइस करना मतलब 200% हो जाना। ओके कितना आता है ऐसा करने से, 5/9 ये मिलता ही लिखा, देखिए 5/9। ठीक है, सॉल्व करते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 25 से काटेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, 25 से काटेंगे तो ये 8 टाइम्स जाएगा, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 8 वहाँ जाएगा, तो कितना जाएगा 8/9 हमें दे देगा, जो कि आंसर कितना है, सी नंबर आंसर। क्लियर है, तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, बन जाएगा आपको। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया इसमें, 15% इंक्रीज किया गया है न्यूमरेटर में। अगेन उसी तरह क्वेश्चन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन है, तो ओरिजिनली हम मान लेते हैं x अपॉन y है, तो x में कितना इंक्रीज किया गया 15%, मतलब 115% हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 8% का डिक्रीज किया गया, तो कितना हो जाएगा 92% हो जाएगा। क्लियर, देन अ न्यू फ्रैक्शन 15/16 इज ऑब्टेंड, तो 15/16 हमें मिलता है, फाइंड करना है ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो सॉल्व करते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, ओके 5 से कैंसिल करते हैं, 5 2 जा एंड 5 3 जा, ओके 23 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया 3/4 फाइनल आंसर। क्लियर है, तो इस तरह से करना है आपको। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है इसमें, न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 200%, डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 400%, ओके एंड देन अ न्यू फ्रैक्शन 1/1/20, 1/1/20 फाइंड होता है, तो फाइंड क्या करना है, ओरिजिनल फ्रैक्शन, ये 1/1/20 को एक नॉर्मल फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना आएगा, ये 21/20 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन हमने मान लिया एक्स अपन वाई, एक्स में न्यूमरेटर में 200% का इंक्रीज है, मतलब कितना हो जाएगा 300% हो जाएगा, ओरिजिनली तो 100% होता ही है, 200% का इंक्रीज है, डेट मीन्स कितना हो जाएगा 300%। क्लियर, 400% का इंक्रीज है, कितना हो जाएगा ये 500%, और ऐसा करने पर कितना आता है, ये आता है 21/20, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, 3 से कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स, और 5 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो कितना आ गया 7/4 आंसर। ठीक है, अगर आंसर ये सिंपल फ्रैक्शन में ना देखे, मिक्स फ्रैक्शन में दिया होता तो क्या होता, 1/3/4 इसका आंसर हो जाता। क्लियर है, फिलहाल यहाँ पे 7/4 दिया ऑप्शन, तो यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है इसमें,
In a function x cube y square, value of x and y are decreased by 25% and 20% respectively. Then find the percentage decrease in the given function. तो क्या गिवन फंक्शन है x क्यू y स्क्वायर और इस फंक्शन में x की वैल्यू डिक्रीज हुई है 25% तो कितना बच गया x 75% बच गया इसका क्यूब दिया हुआ है और y 20% डिक्रीज हुआ है डेट मीन्स 80% बचा है 80% y का होल स्क्वायर अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप डायरेक्ट वे से कर सकते थे 3/4 x कर सकते थे और इसे 4/5 y कर सकते थे का होल स्क्वायर क्लियर तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा फंक्शन देखिए एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर को हम पहले अलग कर लेता हूँ तो ये यहाँ से मिल जाएगा हमको एक्स क्यूब मिल जाएगा और वाई स्क्वायर मिल जाएगा उसे अलग कर लेता हूँ यहाँ पे क्या है ये 3/4 का क्यूब है तो 3/4 का क्यूब मतलब 3 का क्यूब और 4 का क्यूब ओके और यहाँ पे ये 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर ठीक है तो यहाँ से क्या जाएगा देखिए 3 का क्यूब कितना जाएगा 27 और 4 का स्क्वायर से ये 4 का क्यूब में से कैंसिल होगा तो केवल ओनली 1/4 बचेगा ठीक है और ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और ये आ जाएगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर ठीक है क्लियर है ना ये 4 का स्क्वायर जो है यहाँ पे 4 क्यूब मतलब क्या होता है 4 क्यूब मतलब 4 का स्क्वायर इंटू 4 है तो ये कैंसिल हो जाएगा ये 4 स्क्वायर वाला यहाँ से ठीक है ना तो क्या बचेगा ओनली 4 बचेगा ये 4 × 25 ठीक है आगे बढ़ते हैं तो देखिए वो 4 × 25 था तो डेट मीन्स कितना हो जाएगा 27/100 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर हो जाएगा और 27/100 मतलब कितना हो गया 27% तो 27% बचा है तो कितना डिक्रीज हुआ होगा जो कि पूछा है डिक्रीज 73% का डिक्रीज हुआ है फाइनल आंसर क्लियर है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9th क्या लिखा है इसमें इफ सैलरी ऑफ ए इज 25% मोर देन बी देन फाइंड सैलरी ऑफ बी इज हाउ मेनी परसेंटेज लेस देन और मोर देन सैलरी ऑफ बी तो एक चीज क्लियर है यहाँ पे कि सैलरी ऑफ ए जो है वो बी से ज्यादा है कितने परसेंट ज्यादा है 25% ज्यादा है तो अगर एक चीज मोर है तो दूसरी चीज बी को कितना होना पड़ेगा कम होना पड़ेगा लेस होना पड़ेगा ठीक है तो ये ध्यान दीजिएगा आप कि 25% मोर दिया है तो 25% ही लेस होगा ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे बी का परसेंटेज है और यहाँ पे ए का परसेंटेज है दोनों अलग अलग वैल्यू आएंगी तो अलग अलग परसेंटेज है इसलिए हम डायरेक्टली नहीं कह सकते ए को मैं कह रहा हूँ कि 25 रुपीज बी से ज़्यादा है मान लीजिए ऐसा कह रहा हूँ तो मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ कि बी जो है वो 25 रुपीज कम है जिससे ए से ऐसा तो कह सकता हूँ लेकिन मैं इस तरह से परसेंटेज वाले केस में नहीं कह सकता हूँ कि अगर ए बी से 25% ज़्यादा है तो बी 25% ए से कम होगा ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे ए के परसेंटेज और बी के परसेंटेज दोनों अलग अलग हो जाएंगे क्लियर है तो इस तरह से हम यहाँ पे नहीं कहेंगे तो क्या होगा किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 25% मोर देन बी तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि अगर एक चीज़ ज़्यादा है और दूसरी चीज़ कम हो जाए तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है आर अपॉन 100 ± r × 100% ये आपको फॉर्मूला याद रखना है ठीक है तो यहाँ पे अगर मोर दिया है मोर मतलब क्या दिया होता है इंक्रीज मोर दिया हो या फिर इंक्रीज दिया हो तो आपको क्या लगाना है प्लस लगाना है और अगर लेस दिया है या फिर डिक्रीज दिया है तो आपको माइनस लगाना है क्लियर है फिलहाल यहाँ पे मोर दिया है तो हम प्लस लगाएंगे आर की वैल्यू कितनी है 25 तो 25/100 + 25 × 100% क्लियर है तो 25 और ये 100 + 25 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा तो 25/125 × 100% 25 से कैंसिल हो जाएगा कितना जाएगा ये 5 से ये कैंसिल हो कितना जाएगा 20 तो 20% आंसर फाइनल क्लियर है तो इस तरह से करना है अब इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं ओके तो नेक्स्ट सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहा हूँ देखिएगा क्या दिया हुआ है ए बी से 25% ज़्यादा है तो ये क्लियर है कितना परसेंट ज़्यादा है 25% मतलब बी का 125% हो जाएगा ओके हमें निकालना है बी कितना परसेंट कम है ठीक है ना ए से तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बी 125% कितना होता है 5/4 होता है ठीक है अब इसको इधर भेज दीजिए
तो b को एक तरफ लिख दीजिएगा, ये b को एक तरफ लिखा है मैंने और इस 5 बाय 4 को ट्रांसफ़र कर दिया, तो कितना आ गया 4 बाय 5 a आ गया। और ये 4 बाय 5 कितना होता है, 80% होता है। तो 80% अगर है, बचा है 80%, तो कितने का डिक्रीज हुआ होगा, 20% का डिक्रीज हुआ होगा, दैट मीन्स 20% आंसर। तो अब इस तरह से भी आप कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे वैसा करिएगा, लेकिन इससे करने से जल्दी आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें 80% आने के बाद ये हमारा 80% आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा, 80% बचा है मतलब 20% का डिक्रीज हुआ है, और इस तरह से करेंगे आप तो डायरेक्ट आंसर आएगा, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th, क्या लिखा है इसमें, इफ वैल्यू ऑफ एक्स इज 50% लेस देन वाई देन फाइंड वैल्यू ऑफ वाई इज हाउ मेनी परसेंटेज मोर देन एक्स। तो ये उसी तरह का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट फॉर्मूले से या फिर अलग से भी कर सकते हैं। ओके, तो दोनों तरीके देख लेते हैं, क्या लिखा है, x इज 50% लेस देन y, तो फॉर्मूला क्या है, r अपॉन 100 प्लस माइनस r इंटू 100%। तो क्योंकि लेस दिखा है यहाँ पे, तो माइनस करेंगे 50 अपॉन 100 माइनस 50 इंटू 100%, ठीक है। तो 100 माइनस 50 करने से कितना आएगा, 50 आएगा, और ये 50 और ये 50 कैंसिल हो जाएगा, तो बचे कितना 100%, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब एक और तरीके से देख लेते हैं, x इज 50% लेस देन y, तो अगर x 50% लेस देन y है मतलब 50% ही है, y का 50% है, ठीक है, 50% परसेंट हटेगा नीचे आएगा 100, 50 से कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 2 टाइम्स, 2 चला जाएगा वहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x, और 2x मतलब कितना होता है 200%, तो 200% है मतलब कितना इंक्रीज हुआ है, हाउ मेनी परसेंटेज मोर है, कितना इंक्रीज हुआ है, 100% का इंक्रीज हुआ है। तो इसमें डायरेक्ट आंसर आता है इस तरीके से, फॉर्मूले वाले तरीके से, और इसमें आपको एक बार एक स्टेप और आपको सोचना पड़ेगा, 200 बचा है डेट मीन्स 100% का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी तरीका कर सकते हैं, बाकी ये ज़्यादा आपको सुटेबल लगेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्या लिखा है इसमें, ए प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 10% देन इट्स कंजम्पशन शुड बी इंक्रीज्ड बाय हाउ मेनी परसेंटेज सो डैट एक्सपेंस रिमेंस कॉन्स्टेंट। तो यहां पे एक चीज डिक्रीज हुआ है, क्या डिक्रीज हुआ है, प्राइस, और एक चीज इंक्रीज हुआ है, कंजम्पशन। तो अगर एक चीज डिक्रीज और दूसरी चीज इंक्रीज हो रही हो, तो उस केस में ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अभी हमने देखा था, तो यहां भी वही अप्लाई होगा, तो और इस फॉर्मूले से करने से काफी आसानी से आंसर आ जाता है, तो यहां भी अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो रेट दिया हुआ है 10 अपॉन, और डिक्रीज दिया इसलिए माइनस करना पड़ेगा, 100 माइनस 10 इंटू 100%, ठीक है। तो क्या आएगा, 10 अपॉन 100 माइनस 10 कितना जाएगा, 90 इंटू 100%, तो 0 से 0 कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया यहाँ पे 1/9, और 1/9 तो वैसे भी हमको पता है कितना परसेंटेज होता है, 11.11% होता है, तो यहाँ पे 100% वाला केस लगाने की इंटू करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, और अगर नहीं बन रहा है ये, तो 100 को आप 9 से डिवाइड कर देंगे तो अभी कितना आएगा, 11.11 आएगा। लेकिन जिनकी प्रैक्टिस है और जिन्होंने एपिसोड फर्स्ट देखा हुआ है, तो वहाँ मैंने बताया था 1/9 11.11% होता है, तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन आपने वहाँ पे सीख ही चुका है पहले, तो डायरेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, 11.11%। तो ये था एपिसोड 3rd का लास्ट क्वेश्चन, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। अगर कोई भी डाउट रहता है या कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। Facebook पर अगर आप ये वीडियोस देखना चाहते हैं तो HDB क्लासेस Facebook पेज को आप लाइक और फॉलो कर दीजिए, वहां आपको वीडियोस के अलावा और भी जानकारियां मिलते रहेंगी। वीडियोस के PDF के लिए आप टेलीग्राम पर HDB क्लासेस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही आप इंस्टाग्राम या ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू।